एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में न्यू एक जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ईपीएफ की 3 अपडेट के बारे में आप सभी पीपीएमर्स को बताने वाला हूं। तो अपडेट जो है काफी महत्वपूर्ण अपडेट है, तो इस अपडेट के बारे में आप सभी पीपीएमर्स को जान लेना चाहिए। तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना चाहिए। अगर आप एक पीएफ मेंबर हो तो इस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। और जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी आप हेल्पफुल नॉलेज वीडियो बनाना चाहते हैं, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप फॉलो कर लेना। कोई चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला जो अपडेट है, अपडेट ये है 2021 और 22 का जो फाइनल ईयर इंटरेस्ट है पीएफ का, रोजगार मंत्रालय की तरफ से क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, आप में से काफी पीएफर्स का कमेंट ये आता है कि सर जी, हमारा पीएफ अकाउंट में अभी तक पीएफ इंटरेस्ट का बैलेंस नहीं आया है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपकी पीएफ अकाउंट में अभी तक पीएफ इंटरेस्ट का पैसा क्रेडिट नहीं हुआ तो आपको चिंता करने का या टेंशन करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आपको 1 से 2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, ईपीएफ जब पीएफ इंटरेस्ट का बैलेंस क्रेडिट करता है तो एक साथ में सभी पीएफ मेंबर्स के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा जो पीएफ कर्मचारी है 6000 करोड़ से भी ज़्यादा पीएफ मेंबर्स है। तो सभी पीएफ मेंबर्स की अकाउंट में एक साथ में सभी को एक साथ में इंटरेस्ट का पैसा क्रेडिट करना पॉसिबल नहीं है। ईपीएफ का जो किया कार्यालय है, धीरे धीरे आप सभी पीएफ मेंबर्स की पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट का बैलेंस क्रेडिट कर देंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रतीक्षा करना है, इंतजार करना है। फिर भी अगर 1 से 2 हफ्ते के बाद आपका पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट का बैलेंस क्रेडिट नहीं होता है तो आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। ग्रीवेंस रजिस्टर करने के बाद आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको पीएफ इंटरेस्ट का पैसा आपका पीएफ अकाउंट में क्यों क्रेडिट नहीं हुआ या आपको क्यों नहीं मिला है। तो ये था पहला अपडेट। दोस्तों, दूसरा अपडेट ये है कि जबकि आप पीएफ विड्रॉल करने के लिए फॉर्म नंबर 31, 19, 10C या 10D अप्लाई करने जाते हो तो आपको एक एरर मैसेज देखने को मिल रहा था, समथिंग एरर का, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये जो एरर है फाइनली हट चुका है, ठीक हो चुका है। अप्लाई करते टाइम अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा अपडेट है। दोस्तों, अब तीसरा अपडेट क्या है? दोस्तों, तीसरा अपडेट ये है कि दोस्तों, जब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करके जब अपना बैंक अकाउंट इंटर करके वेरीफाई कर लेते हो, इसके बाद जब अपना मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लेते हो, पैरा सिलेक्ट कर लेते हो, अपना एड्रेस या चेकबुक या पासबुक अपलोड करने के बाद जब सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हो तो आपको जो है ओटीपी रिसीव नहीं होता है। आपको कुछ इस तरीके से एरर देखने को मिलता है, अननोन एरर। तो दोस्तों, ये क्या है? आप मतलब कुछ भी, कभी कुछ एक ना एक एरर आते ही रहता है। ओटीपी पर सेंड करते ही जो अननोन एरर आता है, तो दोस्तों आपको भी ये एरर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और जो दोस्तों, ये जो एरर है, एरर कल शाम से ही मिल रहा है, कल शाम को 7 या 8 बजे के बाद से ये एरर आपको देखने को मिल रहा है। जब भी आप फॉर्म नंबर 19 या 10C फॉर्म सिलेक्ट करके जब आप अपना डिटेल्स इंटर करने के बाद जब आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हो, सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको ये एरर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये एरर ठीक होने के लिए या सुधार करने के लिए आपको या ग्रीवेंस रजिस्टर करना है या आपको प्रतीक्षा करना है। ये ईपीएफ सर्वर का प्रॉब्लम है, ईपीएफ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आपको इसके लिए अभी वेट करना है। पीएफ अप्लाई करना इमरजेंसी है तो आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ग्रीवेंस रजिस्टर करोगे तो ईपीएफ को पता चलेगा, तो ईपीएफ टेक्निकल टीम इसको जल्द से जल्द ठीक करेंगे। और आपको अभी तक इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिला है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, आपको इंतजार करना है, आपको प्रतीक्षा करना है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको भी पीएफ इंटरेस्ट का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। तब तक के लिए बाय बाय।